कल्चरल साइकोलॉजी द टॉपिक इज एम्पथी न्यूरोटर है जो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए जनवरी ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी सिक्सटीन लेटर का टॉपिक है द ब्रिटिश अकेडमी लंडन कॉन्फ्रेंस एम्पथी न्यूरोसाइंस ट्रांसलेशनल रेलिवेंस फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन अब ये काफी लंबा लेटर है वो ये कह रहे हैं कि नो हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप करें आप जाके अटेंड करें इसका मकसद क्या है ये इनकी वेबसाइट पे और ब्रिटिश काउंसिल के उसमें भी पाई जाती है वो कह रहे हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि एम्पथी की जो न्यूरो जगह उसका दर्द जैसा वो महसूस कर रहा है उसी तरह महसूस करना इसको किस तरह रेलिवेंट किया जा सकता है ट्रांसलेट किया जा सकता है झगड़े कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए अब कॉन्फ्लिक्ट क्या देख रहे थे वो कह रहे हैं कि आप ये दो दिन की मीटिंग अटेंड करें आपके आने से इसमें बड़ा होगा और आप इसको एंजॉय भी करेंगे ब्ला ब्ला गोल क्या थे क्या रिसर्च है जो सोशल एंड बायोलॉजिकल न्यूरो साइंस ऑफ एम्पथी पे हुई है एम्पथी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके ज़रिए हम लोगों के झगड़े ख़त्म कर सकते हैं जब वो एक दूसरे के लिए एम्पथी फील करते हैं ये दोनों गोल्स जो हैं टू द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज इजराइल एंड पैलेस्टाइन एग्जाम्पल्स दिखानी है कि एम्पथी की अप्रोच को किस तरह यूज़ किया जा रहा है एज अ मेथर्ड्स फॉर बिल्डिंग पीस बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज क्योंकि इनकी वॉर बहुत लंबी है कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट से भी थोड़ी ज्यादा लंबी है अब साइंटिस्ट क्लिनिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स इन दोनों कम्युनिटीज में इस रिसर्च को इन लर्निंग को इकट्ठे मिलके कोऑपरेट करके सुने और एक दूसरे के परस्पेक्टिव को रिस्पेक्ट करें और अपनी प्रैक्टिस में यूज करें विद बेस्ट विशेज प्रोफेसर साइमन बैरन कोहन चेयर ऑफ द एम्पथी न्यूरो साइंस कॉन्फ्रेंस और इसके जो को co कन्वीनर्स थे वो इसराइल की यूनिवर्सिटी के भी थे पैलेस्टाइन के भी लोग थे तो इंग्लैंड के भी थे एंड दे वर ब्रिंगिंग टुगेदर दीज टू वॉरिंग कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम जिनका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही नहीं होने को आया तो क्या ब्रेन साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस कुछ कर सकती है इंसानियत के इन तकलीफ़ दे झगड़ों को ख़त्म करने के लिए जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियां बदल भी चुकी हैं तबाह भी हो चुके हैं लोग इसमें अपनी जिंदगियां हार भी चुके हैं इट इज़ कंटिन्यूइंग और नए कन्फ्लिक भी हो चुके हैं दुनिया में पैदा बट इसके बाद बट दिस वॉज पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन दैट वॉट डिड आई लर्न सबसे पहले तो ये कि ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर प्यार मोहब्बत हमदर्दी के लिए एक केमिकल है हमारे ब्रेन का एक हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट होता है इफ़ दैट इज़ जनरेटेड लैब एक्सपेरिमेंट्स शो कर रहे थे और उसमें एक इंडियन रिसर्चर भी थे जिनके इंग्लैंड में लैब है और अमेरिकन भी थे एंड दे पीपल आर वर्किंग ऑन इट उन्होंने ये शो किया कि ब्रेन के स्कैन करके दिखा रहे हैं कि ब्रेन में जो पेन का सेंटर है उसमें कितनी लाइट जलती है वो कितना एक्टिवेट होता है जब आपके सामने एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो जिसका रंग आपकी तरह ही है वो आप अफ्रीकन हैं तो वो अफ्रीकन है आप अंग्रेज़ हैं तो वो अंग्रेज है तो वो वो कितनी इंटेंसिटी से ब्रेन उसके पेन को फील करता है एम्पति है ना ब्रेन उसके अंदर सेंटर है ब्रेन में और अगर वो शख्स जिसके हाथ पे थौड़ी लगाते हुए कील लग गया या उसको ज़ख्म लग गया है तो जो हम आउट करते हैं ना देख के किसी के दर्द को वो गोरे के लिए गोरे का ज़्यादा है और काले के लिए काले का ज्यादा है और गोरे के लिए काले का कम है ना दे आर सेइंग कि ये सोशल लर्निंग से ज्यादा ब्रेन के अंदर जा चुकी है कि उनका दर्द हमारे जैसा नहीं है मुझे इसका दर्द ज़्यादा महसूस होता है दिस इज वॉट आई लर्न सो कैन वी चेंज दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स एंड दैट वॉज अ ग्रेट कॉन्फ्रेंस तो मुझे एम्पथी न्यूरोसाइंस यहाँ पढ़ाते हुए कोर्स में कहीं नज़र नहीं आई जनरली uh, हमारा जो न्यूरोसाइंस का कोर्स है So I thought K2016 key learning, hai, we should put these resources together.